क्या हो गया? उसने क्यों कैसी हरकत की है? उसे अभी कभी इमीडिएटली भेजा जा रहा है। नल अपने लिए सोच रहा था। दिस इज नॉट अ पॉइंट यार, पैसे गिर गए थे। डायरेक्टली मेरे को कहा कि यार तेरे लिए किया था। मैं भी गुस्सा हो गया, ऑब्वियसली गुस्सा आ गया मुझे कि यार मैंने तुझसे थोड़ी कहा था कि मेरे लिए चोरी कर। इनफैक्ट मैंने ही सपोर्ट किया था। यार तुम अकेले के लिए कर रहा था क्या? यार दिस इज नॉट अ पॉइंट। अगर तुमने अकेले के लिए नहीं किया होता, अकेले के लिए क्या नहीं किया होता यार? तुमने मुझे जानता है ना, तूने मुझे साली बताया तो होता। मुझे बताओ यार, बताने वाला था यार। कब क्या है, क्या है? मेरे दिल में थोड़ा भी नहीं था कि इसको सपोर्ट देना, क्योंकि ऑलरेडी मौका दिया जाता है हर एक को, और उसके अंदर जो मैंने देखा कि बदलने का या बोलते ना अपने गलतियों को मानने का है ना स्पिरिट। मेरे को एक कार में से 200 रुपये मिले यार। मुझे पता होता तो ये मैं ऐसा होने देता। मतलब दिस इज ग्रॉस। झूठ है क्या? डोंट फकिंग फ्रॉम बिहाइंड। झूठ है क्या? आई एम नॉट कूटिंग। यस दिस इज आई एम आउट। आई फकिंग डोंट बदर अबाउट यू। अरे मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूं यार। दिस इज नॉट कि मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए कर रहा था। डोंट गिव मी दैट। मैं तेरे को बोल रहा हूं क्या? अगर ओके लाइक जस्ट 1 मिनट आफ्टर दैट यू वुड हैव टोल्ड मी कि वरुण मुझे 200 रुपए मिले, कार से मिले, या मैंने कुछ किया या व्हाटएवर, यू नेवर टोल्ड मी दैट। बहुत खराब लग रहा था कि एक बार उसे वार्निंग मिली थी यही पैसों के ही मामले में, उसके बाद भी उसने एक और हरकत की जो और भी ज्यादा बड़ी थी। कि मैं किसी के बैग से 100 रुपए या 50 रुपए या 200 रुपए निकालूंगा। आई एम नॉट दैट। एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट ना। ठीक है यार, फॉरगेट इट नाउ। डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस। यू हैव अदर फ्रेंड्स आल्सो। मुझे कैसे पैसे मिलते हैं यार बार बार? यार शालिन दिस इज द पॉइंट यार। शालिन ने 200 रुपीस प्रोड्यूसर के वॉलेट से चोरी किए हैं और उसे इस वजह से वापस भेजा जा रहा था और काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था इस वजह से। Why you all the time यार? हम लोग क्यों प्रॉब्लम? मैं भी बहुत बदमाश हूँ साली। मैं तेरे से 10 गुना ज्यादा बदमाश हूँ, पर आई नो कि मैं फकिंग डोंट फॉलो द रूल्स, दे विल किक मी आउट। आई वांट टू बी ऑन द शो मैन। इसका मोटिव क्या था यार? फिर शालीन बहुत ही सैड कमरे में आया तो उसने कहा देव आस्क मी टू लीव। आई सेड ये क्या बकवास है? व्हाट हैपेंड? शालीन की आंखों में पानी था एंड इज लाइक मैंने 200 रुपए चुराए तो आई पैक्ड माय बैग्स, मेरे को जाना है। नहीं पर कब गिरे थे ये पुलिस? आई वाज जस्ट सिटिंग बिहाइंड। कब गिरे थे यार? जब कार से आए थे यार आप लोग। आई डोंट पर अगर ये पकड़े 2 दिन पहले गए तो आज क्यों इशू यार? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हुआ। लिसन इफ दे आस्क देम टू एक्सक्यूज मी इफ दे आस्क पीपल टू लीव दे डोंट आस्क देम टू सी देम ऑफ। शालीन अभी आउट है और हो ही गया ऐसा। अपने बैगों के बांध के सीधे नीचे कॉलेज में हम लोग ने उसे छोड़ा। बाय बाय टाटा हो गया सब। चलो गए ना। उसके आग से एक आंसू नहीं निकल रहा। आरती चला गया, शालीन को फंसा दिया। शालीन चला गया, मुझे फंसा गया हरान। सुबह उसने कहा रणवीर जी ने कि आज का डे ऑफ है, यानी आज मोस्ट पब्लिक बकरा दिन है, और उसके बाद शालीन आके एक फालतू से एक्टिंग करके। बट व्हेन वी केम बैक वी वर वेरी कन्विंस्ड कि ये कुछ प्रैंक है, वो अभी वापस आ जाएगा। सो आफ्टर अ वाइल हमें उन्होंने बता दिया क्रू ने कि ये एक प्रैंक था और शालीन अभी कुछ देर में वापस आ जाएगा। हेलो डोंट व्हाट इज नो नो यू कम बैक फॉर द वॉच ना गाड़ी के लिए आया वापस। अबे तू
क्रू के संग मिलके हमारी क्रू ने गन पट्टी पे बंदूक लगा के बोला मेरे को स्वेयर तेरी एक्टिंग की पूछ ले बाहर रखी तेरी 6000 की घड़ी जा जा वो तेरी 6000 की घड़ी बड़ी मोबाइल जा यहां से टीवी से बाहर आ ना उससे बात नहीं करना करो ना बात नहीं जा यहां से एक्टिंग जा पहले लेके जाओ चाबी चाहिए मुझे जा यार भाई तू लोग यार प्लीज यार जाओ इसकी घड़ी दे दो यार ये वाला घड़ी खा जाओ यार रणविजय को भी फोन कर दिया कि हमें अभी के अभी से वोट आउट करना है और वो हमें बार बार बोल रहा था आई एम सॉरी कैंडी हाउ कैन यू नो नॉट टॉक टू मी और हम लोग बहुत एक्टिंग कर रहे थे कि तू दफा हो जाए यहाँ से. इनफैक्ट हमने उसकी घड़ी निकाल के वो डिब्बा भी जस्ट टू मेक इट लुक मोर रियलिस्टिक हमने वो डिब्बा भी फेंक दिया कि दफा हो जाए इसको उठा के निकल जाए यहाँ से. प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड वाज नॉट माय फॉल्ट मैं यहां से ले गए थे लेट एक प्लीज मत बढ़ाओ हम मर जाएंगे हमने जिंदा रहना है ऑलरेडी सिर्फ बेयर मिनिमम टाइम तो ले रहे हैं यार. हां हां ये आखिरी बार आगे से गलती हां आगे चलो हमारी रोडीज का इज्जत के सवाल है तबला गुलाब है बेस्ट तबला जल्दी करो ना 1 2 3 पहले ही जोश लगाओ ओए होए टू गुड यार सीरियसली ये प्लीज कॉन्सेंट करो पसीना विनोद भाई ने एक लड़के से पंजा लड़ाया और मुझे इन लोगों ने बोला कि तुम भी लड़ो मैं पंजा लड़ा लो और मेरी मती मारी गई थी कि मैं मान गया. हार जाना यार लड़कियों के सामने इज्जत रख लेना है ना. अच्छा हार जाना ठीक है. नहीं भाई स्पोर्ट्स में कोई इज्जत नहीं भाई. क्या बात कर रहे हो घर वाले हमारे भी तो खाने को दे भाई. क्या बात कर रहे हो ऐसे क्या कैसा हो जाएगा भाई. बोलने से शक्ल बताती होगी कि मैं कितना फटी हुई बॉडी देखो यार किससे किसको लड़वा रहे हो. चल 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 फलूदा मत कर.
पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, और रोडीज के लिए तो ये काम क्या हो सकता है एक नई चुनौती के सिवा। दरवाजे पे पिन्स लगी हुई थी, ऑयल पिन, समझ नहीं आया था ऑयल पिन्स के साथ करेंगे क्या हम लोग, और फिर दरवाजा खुला तो मतलब है कि इनको प्रिक करना है जो उसके अंदर स्क्रॉल्स है, वी हैव टू रीड इट आउट। यू गेट अ पेपर आउट ऑफ इट। वरुण को एक कागज मिला जिसमें स्पर्म डोनेशन का था कुछ, कि फर्स्ट और सेकंड को स्पर्म डोनेशन करेंगे। We are pleased to inform you that we shall provide all facilities and help required to four of your roadies who will be here on the 1st and 2nd of September 2004 to donate their sperm to our sperm bank. Donating sperm is, I think, बहुत ही अच्छा काम है अगर आप देखा जाए, but अगर उसको एक fun बना दो तो then people won't treat us as a good thing कि इनने कुछ भला काम किया है। जब हमें कॉलेज में बिठाया गया और उस हॉस्पिटल में लेके गया तो कॉलेज के अंदर भी बात चला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मजाक है मजाक, कुछ नहीं होगा, ये असली बात नहीं। अरुण क्या हाल है? हेलो हेलो विनोद, बहुत चुपचाप बैठे हो आज तुम। इससे ज्यादा और क्या हंसी चाहिए? ये नहीं कर रहे। क्यों शालिन तुम कर नहीं रहे? मतलब आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। आप किसी को कोई चीज डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, या कोई उसको ऐसा टास्क नहीं बना सकते हैं। किसी को डोनेट करना तो अपने मन से करना चाहिए, अपने अगर उसको इच्छा हो तो। इस टास्क के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ तो आपके पास है? आयुष्मान हमने स्पर्म डोनेशन किया था अपना अपना, मैंने, विनोद ने और आयुष्मान ने। शालिन ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मालूम नहीं, पर मुझे भी ऐसा फीलिंग है कि शायद 20% लोग अप्रिशिएट करेंगे, इसे समझेंगे, और बाकी सब 80% मजाक उड़ाएंगे, बट आई डोंट केयर। आप थर्ड, फिर उसके बाद में आयुष्मान देखेंगे। स्पर्म डोनेट करने वहाँ एटमोसफेयर कुछ ऐसा था कि एक बेड था, एक रूम में हमें ले जाया गया, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। अब इस मौके पर हाउ कैन यू फील हॉनी, मतलब कैसे कर सकते हो? लेकिन faces had embarrassment but फिर भी उन्होंने कहा कि कोई भी बात करेगा तो बताने की जरूरत नहीं है, चुप करके रहना, अब हो गया, it's done with, so don't talk about it. Please don't waste it, just MTV is really proud of you guys. और शालिन आपने नहीं किया, पर हम आपका जो डिसीजन है बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं उसको, और लड़कियों का सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा था। फिलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। गाओ बजाओ, ऐश करो, धूम मचाओ। कैप्टन कौन है? कितने पैसे बचे तुम्हारे पास आजकल? 210 रुपए। और तुम्हारे को पार्टी करनी है अभी, 210 में क्या होगा? आज का खाना मेरी तरफ से तुम लोगों को फ्री। अपना अपना खाना खाओ फ्री में, और एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू।
तो फिर आई खुशियां, फिर बिखरी मुस्कुराहटें हर तरफ, मगर तब तक जब तक कि ना खड़ा हो गया कोई नया बवाल। Don't show me that looks, I'm not scared of your acting, okay? I'm talking to you, Shalin. I'm talking to you. I'm talking to you very properly. Shalin, don't do that to me, okay? This is like too much. What too much? Authority. Whatever I am doing, I am doing. Nobody else, okay? Don't abuse me again. I don't care about that. Don't abuse me again, Shalin. You're getting over my nerves, okay? Listen, don't show me that acting and don't abuse. I'm not acting. I'm telling you, read my lips. Don't. The day I start my acting. Listen, Shalin, I'm gonna go and complain right now. Don't go ahead. Don't go ahead. Don't let's me again. Come on. Don't abuse me again. Let's get over, man. What's your problem? What's your problem? What's your problem? What's your problem? You're like too much, man. You're going on. Hey, you're doing this. You're going beyond limits, Shalin. You're going beyond limits. Shut up, Shalin. Everybody's sick of you, man. Look here, I have been ordered not to say anything. I'm telling you, I don't f***ing care who's ordered you or not, okay? Don't point me. You don't point me. Don't point me, Shalin. What? What? You're going on our nerves now. What? Don't show me. What will you do, man? What are you showing me faces for? What do you think of yourself, man? What do you think of yourself?